क्वेश्चन है, सियान 14 और 15 क्या है? सियान 14 और 15 क्या है? ध्यान दो, ये देखिए, ये है पृथ्वी, पृथ्वी से ऊपर जाने पर आपको दिखता है चंद्रमा, पृथ्वी से सूर्य, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी पता है आपको 384,403 किलोमीटर दूरी पर चंद्रमा है, और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचने में लगा समय होता है 1.364 सेकेंड, सही है? तो ये है चंद्रमा। अब बात आई है चंद्रमा की, तो थोड़ा समझ लो, इस प्रकार से एक ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है अमेरिका, अमेरिका देश में नासा, नासा की स्थापना कब हुई है? 1958 में। नासा का फुल फॉर्म बोलिए, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 1958 में हुई है। इसका पुराना नाम क्या था? नासा। सबको याद हो गया स्थापना का? तो नासा के द्वारा चंद्रमा के ऊपर पहली बार 1969 में विमान भिजवाया गया था, कौन सा व्यक्ति गया था? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन गया था। जहां उतरा था उसका नाम क्या है? शांत सागर या सी ऑफ एक्टिविटी। क्या नाम बोला मैंने? शांत सागर या सी ऑफ एक्टिविटी, सही है। तो क्या हुआ है, 2022 में एक देश है जिस देश ने विमान भिजवाया है चंद्रमा के ऊपर, वह विमान का नाम है सियान 14 और 15। अब वो देश कौन सा है तो समझ लीजिए, फिर से देखना, ये है पृथ्वी, पृथ्वी से ऊपर जाने पर ये है चंद्रमा, 384,403 किलोमीटर दूरी पर। ये देखिए, ये है भारत देश का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर है कोरोना का पिता महा, ठीक है। चाइना देश ने चंद्रमा के ऊपर एक विमान भिजवाया है जिसका नाम है सियान 14 और सियान 15, मतलब दो विमान है सियान 14 और सियान 15। ये चंद्रमा के ऊपर पहुंचे 2022 में, और चंद्रमा पे पहुंचने के बाद में जो खोज किया है उन्होंने, पहली खोज की है चंद्रमा के ऊपर क्रिस्टल की, क्रिस्टल जिसको नाम दिया गया है चेंज साइट वाई, चेंज साइट वाई, एक तत्व है क्रिस्टल, पत्थर है ना, क्रिस्टल नाम का एक पदार्थ खोज किया। क्वेश्चन यहां से बनेगा कि चेंज साइट वाई नाम का पदार्थ जिसका नाम क्रिस्टल भी है, ये चंद्रमा के ऊपर किस देश ने खोजा? आंसर आएगा चाइना ने खोजा, और साथ में क्या खोजा? एक परमाणु ऊर्जा भी खोज लिया है। तो परमाणु ऊर्जा साथ में चेंज साइट वाई नाम के तत्वों की खोज किया है, किस देश ने किया? चाइना ने किया। कौन सी विमान को भिजवाया? विमान का नाम है सियान, कौन गए ये है ना, हाँ ठीक है। तो सियान 14 और 15 जो है ये क्या है? विमान किस देश के? चाइना के। और क्या खोजा इन्होंने? क्रिस्टल यानी चेंज साइट वायर और ऊर्जा की खोज कर लिया है, समझ में आया आपको? तो ये क्वेश्चन था आपके सामने, सियान 14 15 क्या है, तो चाइना देश के विमान के नाम है, कहां भिजवाया? चंद्रमा के ऊपर, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच दूरी कितनी है? इधर है। अच्छा, भारत देश ने भिजवाया है ना, ये देखिए, ये है भारत देश का मानचित्र, मध्य प्रदेश, और यहाँ पर है बेंगलोर, बेंगलोर में इसरो, ठीक है, कब स्थापित हुआ? तो इसरो ने भी चंद्रमा के ऊपर मिशन भिजवाए है, कौन से कब जाएगा चंद्रयान 2023 में जाएगा, और ये वाला सब याद है आपको, सब पढ़ा हुआ है कि चंद्रयान फर्स्ट 2008 में गया हुआ था, चंद्रयान दो थी 2019 में गया हुआ था 22 जुलाई को, क्यों सर सजा रख लिया कि ऊपर जा रहे सर, याद हो रहा पक्का? उसके मुंह को क्या देख रहे हो, पुट्टी लगाइए प्लास्टर कर गए, तो फिर क्या देख रहे? इधर देखिए, चंद्रयान फर्स्ट 2019, डेट कह
क्या थी? बादल चढ़ाई। ठीक है, अच्छा चंद्रयान तो गया हुआ था, तो ये इसका लैंडर नाम क्या था? विक्रम। और रोवर? प्रज्ञान। रोवर प्रज्ञान, लैंडर विक्रम। पलट गया, पड़ा है, चारों पहिए ऐसे हैं, यानी कि ट्रक पलट जाता है ऐसे, चार पहिए इधर गए उसके। अब कितने उसको प्रेस लगाओ, एक्सीलेटर दो, खड़ा हुआ सीधे सीधा है ना, पड़ा ऐसे ही है, सही ना, ये बात है। चलिए चंद्रयान धरती जाएगा कौन से विमान से? GSLV Mark 3। ठीक, क्लियर है? चलिए फिर तब पहले।